₹1 पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 0 to 60 तक सिर्फ 5.7 सेकंड्स के अंदर कवर कर सकते हो। घर में अगर फास्ट चार्जिंग है, एसी फास्ट चार्जिंग, तो 30 मिनट के अंदर 35 किलोमीटर रेंज आपको इसमें मिल जाएगी। और अगर डीसी फास्ट चार्जिंग यूज कर सकते हो तो 10 to 80% तक 57 मिनट में ये चार्ज हो जाएगी। दैट्स फास्ट। यो, ये गाड़ी दिखने में भले ही छोटी हो लेकिन आप इस कार में 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक कवर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द वेरियंट जो आप खरीदोगे। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि इस कार के एक्स शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं 8.5 लाख रुपए से और जाते हैं 11.79 लाख रुपीज तक। वेल, दैट मींस कि टाटा मोटर्स अपने ईवी प्रोडक्ट लाइनअप के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। सो हियर इज द फन वॉक अराउंड फॉर यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। और मैं ट्राई करूंगा कि इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखूं, दैट्स बिकॉज़ एक्सटीरियर वाइज कार मोस्टली सेम ही है, लेकिन क्योंकि ये एक ईवी है तो इसमें बहुत सारे फ्रंट फेशिया में चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको नॉर्मल कार में आईसी इंजन में क्रोम की स्ट्रिप मिलती है। हियर इट इज योर इलेक्ट्रिफाइंग ब्लू कलर, जो कि टाटा का सिग्नेचर ईवीज का कलर है। देन दिस ग्रिल इज शट ऑफ, यहाँ पे एयर गैप दिए हैं, एंड आई रियली लाइक दिस पियानो ब्लैक फिनिश ऑन दैट। हालांकि आई हैव वन क्रिटिक कि इसमें ना स्क्रैचेस बहुत ज्यादा जल्दी लगेंगे। एंड ये जो ग्रिल पैटर्न दिया है ना यहाँ पे, इट लुक्स वेरी गुड। आपके DRLs एंड जो यहाँ पे फॉग लैंप्स हैं उनको भी ब्लू ट्रीटमेंट दिया है टू शो दैट इट इज एन ईवी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एंड यू नो व्हाट, इस कार में बहुत सारे अपने सेगमेंट से, वेल अपने दो सेगमेंट ऊपर के फीचर्स हैं, और उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इंटीरियर और इंफोटेनमेंट के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो एक चीज जो नॉर्मली छोटी हैचबैक्स में नहीं होती है और इसमें है, और मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर लगता है, ये कि जब क्वार्टर पैनल और रनिंग बोर्ड डी अटैच होते हैं। महंगी गाड़ियों में देखो ना, BMW वगैरह, मर्सिडीज वगैरह में ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ डॉट ईवी की बैजिंग दी हुई है। दिस इज योर ऑटोमेटिक ORVMs जो कि ऑटोमेटिक फोल्ड भी होते हैं। देन मोर ओवर, जो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे टाटा टियागो में लगता था, वो थे ये क्रोम बार जो इसके अंदर डाले हुए थे, क्रोम इंसर्ट्स। नाउ यहाँ पे उसको ब्लैक ट्रीटमेंट दे दिया गया है। आई थिंक यहाँ पे अगर उसको ब्लू ट्रीटमेंट दे देते तो ज्यादा अच्छा लगता, जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। सो मोस्टली प्रोफाइल साइड से बिल्कुल सेम है। अगर आपको इसका इन डेप्थ रिव्यू देखना है आईसी इंजन वाले का, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, देखिए, दिस इज एन ईवी, तो इस वजह से जो इसकी व्हील कवर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंटली डिजाइन किए हुए हैं, सो दैट दे बिकम मोर एरोडायनामिक। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इनमें जो गैप्स हैं उनको भी कम कर दिया गया है। नाउ दिस इज अ 175/65R14 टायर, और ये है आपका वो प्लेस जहां से आप इसको चार्ज करोगे। सो यू हैव टू पोर्ट्स, ये आपका डीसी के लिए, ये आपका एसी के लिए। एंड लेट्स जस्ट पुट इट बैक। कैसे लगाते हैं इनको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स इट। रियर प्रोफाइल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नॉर्मल टियागो बोरिंग स्टाइल में लिखा रहता था, अब उसको बहुत ही अच्छे स्टाइल से लिख दिया गया है, टियागो ईवी बड़ा बड़ा। एंड दिस लुक्स गुड। पहले क्या था कि इसको आपको अंदर इंटीरियर से एक्सेस करना पड़ता था या फिर की से एक्सेस करना पड़ता था टेल गेट को। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्विच दे दिया, तो आप इसको प्रेस करोगे एंड डोर ओपन हो जाएगा। However, there is a point, जो ये आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसकी पोजिशन अभी भी काइंड ऑफ चेंज नहीं हुई है, और ये अभी भी मेरे को वियर्ड लगता है। Moreover, ये है आपकी बूट, एंड अगर आप इसको रिमूव कर दोगे पार्शियल सेल्फ को, तो आपको लगभग 250 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। हाउएवर विद दिस, बूट स्पेस थोड़ा सा कम है, और क्योंकि बैटरी पैक यहाँ पे प्लेस किया गया है तो आपको स्पेयर व्हील भी नहीं मिलता, उसकी जगह आपको रिपेयर किट मिलेगी, एंड बूट स्पेस भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। एंड नाउ लेट्स स्विच टू द POV मोड और चलते हैं इंटीरियर पे। तो गाइस, ऐसा कुछ दिखता है आपका डोर हैंडल। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिला हुआ है जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो गाड़ी को। मैं सबसे पहले आपको इसकी कीज दिखा देता हूँ। सो दैट्स हाउ द कीज लुक। ओके, जैसे नॉर्मल टियागो की कीज होती है वैसी ही की है, एंड आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट विद दिस की। दिस इज वेरी क्लासी एंड एक्चुअली वेरी गुड। तो ये आपका डोर पैनल है विच इज वेरी सिमिलर टू द नॉर्मल टियागो। अगेन, वीडियो पहले ही करी हुई है, जाके देख सकते हो, लिंक डाल दूंगा। नाउ सबसे मेजर चेंज जो इस पूरे के पूरे इंटीरियर में आपको मिलेगा वो है इसकी कलर थीम। As you guys can see, अब आपको बेज मिल रहा है, ब्लैक और बेज का ड्यूल टोन मिल रहा है। साथ में यहाँ पे जहाँ पहले क्रोम मिलता था वहाँ पे आपको ब्लू एक्सेंट मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इंटीरियर। टॉप ऑफ द रेंज मॉडल, तो इसमें आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है। सो जो इसका डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी काइंड ऑफ इंस्पायर्ड है नॉर्मल टियागो से। एंड यहाँ आपको रेंज डिस्प्ले हो रही है, ये बैटरी स्टेटस है आपका, ये आपका गियर सिलेक्टर है कि आप कौन सी गियर पे हो। तो यहाँ बेसिकली आपको चार मोड मिलते हैं जिसमें से एक रिवर्स है, एक न्यूट्रल है, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स। तो सिटी के लिए आप डी पे जाओगे, और जब आपको थोड़ा फन वन करना होगा, यू नो 0 to 60 तक 5.7 सेकंड्स के अंदर करना होगा, तो आप स्पोर्ट्स पे जाओगे। एंड ये आपको ट्रिप बता रहा है, ये आपको आपकी यूसेज बता रहा है कि पर किलोमीटर कितना वॉट आर यूज कर रहे हो। दिस इज योर क्लॉक एंड दिस इज योर स्पीडोमीटर। यहाँ पे जब आप एक्सेलरेट करोगे तो ड्राइव होगा, पैडल छोड़ोगे रीजन ब्रेकिंग का स्टेटस शो होगा। दिस इज योर रीजन ब्रेकिंग मोड जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से आप इसको कम कर सकते हो, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो। तो तीन मोड मिलते हैं जिसमें से 1 लीस्ट सेंसिटिव है एंड 3 मोस्ट सेंसिटिव है। तो आप किस तरह से अपना सिंगल पैडल में यूज करना चाहते हो चीजों को, वो आप
यहाँ से सेट कर सकते हो. देन दिस ऑल्सो शोज योर बैटरी रिचार्ज. और उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी दे दिए हैं इससे हायर मॉडल की गाड़ियों के. सो यू गेट योर क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स. और इसके इंटीरियर में आपको 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है विच इज डन बाय द हार्मन. और ये हार्मन का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम है. रिस्पॉन्स वाइज आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. रिस्पॉन्स इज गुड. आई डोंट नो कि इसको टाटा ने अपग्रेड किया है या फिर इसको सॉफ्टवेयर अपडेट दिया है, वट एवर, लेकिन इट फील्स गुड. एट दिस प्लेस आप चार्जिंग को लॉक कर सकते हो, ये फॉग लैंप्स के लिए, ये गाड़ी लॉक करने के लिए, ये बूट को ओपन करने के लिए, एंड ये आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम. अगेन वही बात, यहाँ पे अगर टाटा टियागो ईवी लिख दिया होता तो अच्छा लगता. यूएसबी पोर्ट एंड सॉकेट. देन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डीप स्पेस मिल रहा है जहाँ पे आप अपना वॉलेट और मोबाइल फोन रख सकते हो. ये आपके कप होल्डर्स हो गए. बट दीज कप होल्डर्स आई डोंट नो यार, आई एम नॉट कन्विंस्ड. मतलब ठीक है तो है, यहाँ पे आप की रख सकते हो. एंड देन अगेन आपका सॉकेट के लिए, दिस इज योर हैंड ब्रेक एंड दिस इज अगेन योर बोतल होल्डर. देन सम प्लेस फॉर योर चिल्लर वगैरह एंड दिस इज योर लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील. बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ वेरी गुड टू होल्ड. और यहाँ पे आपको सेंटर मार्किंग भी मिल रही है. हाउएवर अगर इसको रेड कर दिया जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता अकॉर्डिंग टू मी. एंड देन कम्स द सीट. तो सीट वाइज टियागो की सीट पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी. अभी इसमें नेक्सॉन वाला ट्रीटमेंट मिल गया है तो जिस वजह से ये जो आपकी परफोरेटेड सीट्स हैं और टाटा का ट्राई एरो सिंबल है, ओवरऑल सीट्स का जो फील है, जो सीट्स में पैडिंग है, जो सीट्स का कम्फर्ट है, वो काफ़ी अच्छा है. Actually, ये आपका IRVM हो गया एंड दिस इज योर एवरीथिंग. यू नो लोगों ने गंदी कर दी गाड़ी, बट यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिल रहा है. बट यू हैव योर टिकट होल्डर. हाउएवर आपकी मैडम के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, आपकी मम्मी के लिए यहाँ पे वैनिटी मिरर है. मुझे लगा टूट गया, सही में टूट गया क्या? नहीं, ये आपके ग्रैब हैंडल्स हो गए. दिस इज योर इंटीरियर लाइट एंड दैट्स गुड, वाइट लाइट है. तो रीड वगैरह करना इजी होगा. एंड नाउ लेट्स मूव टू द रियर ऑफ द कार. एंड सबसे पहले मैं आपको थर्ड सुना देता हूँ. सो दिस इज हाउ द थर्ड ऑफ दिस कार इज. क्योंकि सेफ्टी वाइज ये ईवी 4-star रेटेड है, सेम एज द टियागो. एंड यू नो सेफ्टी के मामले में टियागो इज अ लॉर्ड, जिसका कोई और अल्टरनेटिव मुझे नहीं लगता कि इस बजट में है. यू गाइस एग्री विद मी? Let me know in the comment section. Or leg space wise भी यार, just look at it, check it out. मैं लाइट जला देता हूँ, that's because ये white light है. I mean ये देखो यार, आप leg space देख रहे हो, you have turn off leg space. और ये वाली तो फिर भी थोड़ी सी आगे है सीट, मैं इसमें जाता हूँ, ये थोड़ी सी पीछे है. एंड यहाँ पे भी आपको इनफ लेग रूम मिल रहा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग. हाउएवर थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, जैसे कि दिस इज एन ईवी और ये थोड़ा सा मॉडर्न टच है इसमें, तो इसमें अगर पीछे भी यूएसबी चार्जिंग पॉड्स दे दिए होते तो अच्छा होता, बट नहीं है तो नहीं है. फर्दरमोर आपको मैगजीन वगैरह रखने के लिए सीट पॉकेट्स भी नहीं मिल रहे हैं. पीछे का जो डोर पैनल है उसमें जो बोतल रखने की स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यहाँ पे कोई आपके लिए आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है. बट हाँ, अगर बात करें कि क्या इसमें 5 बंदे बैठ सकते हैं या नहीं, आई विल से कि हाँ, मेरे जैसे 5 बंदे इसमें कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, और अगर बच्चे हुए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ जाएंगे. हालांकि एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगी एंड दैट इज़ योर फ्लोर हम्प, जो यहाँ पे है इतना बड़ा सा. वो नॉर्मल टियागो में भी था, इसमें भी है. दैट्स अ स्ट्रक्चरल मेंबर, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. एंड या इस वजह से थोड़ा बहुत आपको दूसरे बंदों के लेग स्पेस में इंटरफेयर करना पड़ेगा. यू नो व्हाट आई मीन. अच्छा गाइस, एक और आवश्यक सूचना जो कि मुझे इंटरनल सोर्सेज से मिली है, एंड एज पर दैट सोर्स 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले वेरिएंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं टाटा मोटर्स. तो अगर आप लोग इस कार को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये कार आपको पसंद आई है, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप 24 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक ही खरीदें. दैट्स बिकॉज उसमें आपको रेंज भी ज़्यादा मिलेगी और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलेगी, तो वो आपके लिए विन विन सिचुएशन है. नाउ लेट मी नो अगर आप लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है. तो मान लीजिए अगर आपको बेस्ट वायरलेस ईयरफोन्स लेने हैं तो आप चूज करोगे मोस्टली एप्पल एयरपोर्ट प्रो, बिकॉज दे आर द बेस्ट वन. इन द सिमिलर वे अगर आपको बेस्ट ईवी लेनी है अभी इंडियन मार्केट में, देन आई थिंक टाटा टियागो ईवी इज वन ऑफ द बेस्ट. बाय द वे उसकी रीजनिंग देने से पहले मैं आपको इसके कलर दिखा देता हूँ. तो एक कलर ये है, पहला मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ब्लैक है, और तीसरा वो ब्लू है. एंड मेरे को पर्सनली ये वाला कलर पसंद है. अब मैं रीजन बताता हूँ. टाटा मोटर्स इज काइंड ऑफ लीडर्स इन इंडिया राइट नाउ इन ईवी मार्केट. सेकेंडली, टाटा मोटर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम अच्छा किया है विद टाटा पावर. थर्ड, क्योंकि टाटा मोटर्स इतने टाइम से ईवीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है इस चीज में, विच मीन्स कि आपको सर्विस वाइज भी इशू नहीं आएगा एंड रिलायबल ड्राइव ट्रेन आपको मिल रही
है टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ मार्केट का फीडबैक भी काफी ज्यादा अच्छा है। एंड नाउ बात करते हैं इसकी ड्राइव ट्रेन के बारे में। सो टियागो ईवी में आपको दो ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से पहला है 19.2 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक एंड 45 किलोवाट आउटपुट की मोटर विच produces 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो जो पीक टॉर्क है आपको जीरो से इंस्टेंट से मिलना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई आप उस वाले में छोटे वाले वेरिएंट में 0 to 60 तक 6.6 सेकंड्स के अंदर कर सकते हो। देन कम्स योर सेकंड ड्राइव ट्रेन जो कि महंगी वाली ड्राइव ट्रेन है, जिसमें आप 0 to 65.7 सेकंड्स के अंदर कर पाओगे। सो बेसिकली आपको उसमें बड़ी मोटर मिलती है जिसका पावर आउटपुट 55 किलोवाट्स का है और उसका टॉर्क आउटपुट 114 न्यूटन मीटर्स का है और उसमें आपको बैटरी पैक भी बड़ा मिलता है, जिस वजह से उसकी जो रेंज है MIDC सर्टिफाइड रेंज वो 315 किलोमीटर्स की है। तो अगर हम थोड़ा सा रेशियो वगैरह लगा दे तो आपको आराम से 280 किलोमीटर्स की रेंज वो वाला वेरिएंट दे देगा। हाउएवर जो छोटा वाला वेरिएंट है उसकी 250 किलोमीटर्स की रेंज है, तो उसमें भी आप मान के चलो कि 200 किलोमीटर्स तो आपके कहीं नहीं गए। तो अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार लकी ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी पैक में कुछ लोचा हो सकता है, मुझे मेंटेनेंस का कुछ लोचा हो सकता है, और इसकी वारंटी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो बैटरी पैक है उसके थर्मल्स लिक्विड कूल्ड है, जिसका मतलब ये है कि वो आपकी एक्सट्रीम हीट में भी आराम से आपको पीक परफॉर्मेंस दे सकता है, इतनी कैपेबिलिटी उसमें है। सेकेंडली अगर आप मेंटेनेंस के बारे में टेंशन ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि क्या मैं इसको पानी में चला सकता हूँ कि नहीं, या धूल में चला सकता हूँ कि नहीं, या फिर कच्चे पक्की सड़कों पर चला सकता हूँ कि नहीं, उसके लिए भी आपको केयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो बैटरी पैक है वो IP67 रेटेड है, विच इज लाइक डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट। देन कम्स योर मेंटेनेंस। बैटरी पैक और मोटर के ऊपर आपको टाटा मोटर्स 8 साल की वारंटी दे रही है। हाउएवर जो पूरा का पूरा ओवरऑल व्हीकल है उस पर आपको 3 साल की वारंटी दे रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब ये है कि इस कार में आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल रहे हैं, जिसमें आप ऐप के थ्रू इस कार से कनेक्ट होकर अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो, कार को लॉक अनलॉक कर सकते हो, और उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स देख सकते हो। टेलीमेटिक्स देख सकते हो कि आप इस कार को किस तरह से चला रहे हो, आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो अग्रेसिव है कि इकोनॉमिकल है, एंड मैनी मोर अदर फीचर्स। साथ में स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्टिविटी भी है, सो दैट यू कैन कंट्रोल द कार विद योर स्मार्ट वॉच। एंड ये वो सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इससे दो सेगमेंट के ऊपर गाड़ियों में भी नहीं मिलते हैं। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि एक छोटा सा वॉक अराउंड था, और बहुत ही जल्द इसके ड्राइव इंप्रेशंस भी आपके लिए लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो पे लाइक छोड़ के जाना। एंड यू नो व्हाट, सभी टाटा फैन बॉयज इस वीडियो को महिंद्रा फैन बॉयज के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों की जले, एंड कमेंट में कोई अच्छी सी बात लिख के जाओ। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।